हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं समुद्री खीरा के बारे में। वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया के एक नए विश्लेषण से पता चला है, 2015 और 2021 के बीच समुद्री खीरा भारत में सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली समुद्र प्रजातियां थी। इस अवधि के दौरान सबसे अधिक संख्या में समुद्री वन्य जीवों को बरामदगी तमिलनाडु में दर्ज की गई। भारत में समुद्री प्रजातियों में अवैध व्यापार 2015 से 2021 शीर्षक का यह विश्लेषण रिपोर्ट वर्ष 2015 और 2021 के बीच में समुद्री वन्य जीवों की बरामदगी के बारे में 187 मीडिया रिपोर्टरों के आकलन पर आधारित है। रिपोर्ट में 7 प्रजातियों समुद्री खीर, मूंगा, समुद्री घोड़े और पाइप फिश, सार्क और रे, सिप, समुद्री पंखा और समुद्री कछुआ का अवैध समुद्री व्यापार दर्ज किया गया था। मुख्य रूप से रामनाथपुरम और तूतीकोरन जिलों में मछली पकड़ने के जहाजों में तमिलनाडु से श्रीलंका तक इनकी तस्करी की जाती है। मोटे खीरे की तरह दिखने वाले इनके असामान्य लंबोतर आकार की वजन से इनका नाम समुद्र खीरा रखा गया। समुद्र खीरा एक अकशेरुकीय समुद्री जीव है जो आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्री तल पर पाया जाता है। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री खीरे की अत्यधिक मांग है, जो कि प्रवाल भातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। ये जीव प्रवाल परिस्थितीय तंत्र का एक अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि समुद्री खीरा चयापचय के बाद मुख्य उपोत्पाद के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट मुक्त करता है। समुद्री खीरे सागरीय जगत के अपशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं। इस प्रकार ये प्रवाल भातियों के अनुकूल स्थितियों में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IUCN रेड लिस्ट, ब्राउन सी खीरा, ब्लैक स्पॉटेड सी खीरा, ब्लू सी खीरा, आंकड़ों का भाव। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।